तो अभी बात करते हैं फ्लैश ओवर के बारे में और पंचर वोल्टेज के बारे में। यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह क्रॉस आर्म और यहाँ पर यह ट्रांसमिशन टावर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया इंसुलेटर, यहाँ पर ये कंडक्टर और यहाँ पर ये मैकेनिकल वाइब्रेशन डैम्पर हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्लैश ओवर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यू टू हाई वोल्टेज इन लाइन विच कैन अकर ड्यू टू लाइटनिंग, एयर अक्रॉस इंसुलेटर गेट्स आयोनाइज एंड आर्क इज फॉर्म अक्रॉस इंसुलेटर, दिस आर्क इज नोन एज इंसुलेटर फ्लैश ओवर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये बेसिकली यहाँ पर ये जो कंडक्टर हमने जो कंसिडर किया, इसका वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में होगा क्या, यहाँ पर ये जो कंडक्टर और यहाँ पर ये जो क्रॉस आर्म है, दोनों के बीच की जो एयर होगी वो क्या हो जाएंगी, आयोनाइज हो जाएंगी। एयर आयोनाइजेशन के वजह से होगा क्या, आर्क का फॉर्मेशन होने लगेगा इंसुलेटर के अक्रॉस, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंसुलेटर फ्लैश ओवर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हाई वोल्टेज इन लाइन, लाइन में हाई वोल्टेज के वजह से, जो कि हो सकता है लाइटनिंग के वजह से, एयर अक्रॉस इंसुलेटर गेट आयोनाइज, इंसुलेटर के अक्रॉस जो एयर होगी वो आयोनाइज हो जाएंगी और आर्क फॉर्म होगी इंसुलेटर के अक्रॉस, और ये जो आर्क होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंसुलेटर फ्लैश ओवर। सिमिलरली बात कर लेते हैं पंचर वोल्टेज के बारे में। पंचर वोल्टेज का मतलब क्या होता है, नोट डैट इफ रेटिंग ऑफ इंसुलेटर इज लो एंड इफ इंसुलेटर इज कनेक्टेड विथ हाई वोल्टेज लाइन, देन ड्यूरिंग लाइटनिंग वोल्टेज विल बिकम टू मच हाई एंड इंसुलेटर विल स्टार्ट कंडक्टिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एट विच इंसुलेटर स्टार्ट कंडक्टिंग दैट वोल्टेज इज नोन एज पंचर वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने पंचर वोल्टेज से क्या समझा, स्टेटमेंट हमें क्या बोला, अगर इंसुलेटर की रेटिंग अगर कम होती है और यहाँ पर ये लाइन में अगर ओवर वोल्टेज हो जाता है लाइटनिंग के वजह से, तो ऐसे केस में होगा क्या, ये जो इंसुलेटर होगा क्या करने लगेगा, कंडक्ट करने लग जाएगा, इंसुलेटर के थ्रू करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, और जिस वोल्टेज पर ये इंसुलेटर कंडक्ट करना लग जाए वो जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पंचर वोल्टेज। तो यहाँ से हमने पंचर वोल्टेज से ये देखा, अगर इंसुलेटर की रेटिंग अगर कम होती है तो ऐसे केस में हमें पंचर वोल्टेज की कंडीशन मिलेंगी, अगर इंसुलेटर की रेटिंग अगर ज़्यादा होती है, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में आपको पंचर वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो पंचर वोल्टेज से हमने क्या समझा, लाइन का वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में होगा क्या, और इंसुलेटर की रेटिंग अगर कम है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो इंसुलेटर होगा कंडक्ट करने लग जाएगा, और इंसुलेटर जिस वोल्टेज की वैल्यू पर कंडक्ट करने लगेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे पंचर वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फ्लैश ओवर में एयर का ब्रेकडाउन होता है, हम लोग बोल सकते हैं फ्लैश ओवर में एयर का ब्रेकडाउन होता है, एयर का आयोनाइजेशन होता है, और ये इंसुलेटर पंक्चर में इंसुलेटर का ब्रेकडाउन होता है, इंसुलेटर पंक्चर में इंसुलेटर का ब्रेकडाउन होता है। तो फ्लैश ओवर में एयर का ब्रेकडाउन होता है और इंसुलेटर पंचर में इंसुलेटर का ब्रेकडाउन होता है। इंसुलेटर कंडक्ट करने लगेगा, इंसुलेटर तभी कंडक्ट करेगा जब इंसुलेटर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए।